हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इस ट्रिक की तरफ। इंटीग्रेशन अगर e raised to x into sin of bx with respect to dx, इस तरह का कोई भी इंटीग्रल होगा, या इंटीग्रेशन e raised to x into cos of bx with respect to dx, ये दोनों चीजें मैं एक ही समय में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आने वाला है e raised to x divided by a square plus b square, ब्रैकेट में बाहर क्या लिखा मैंने, e raise to x upon a square plus b square, ब्रैकेट में लिखना है a into sin of bx, जो यहाँ पर है sin bx को a मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस साइन देना है, यहाँ पर b लिखना है into cos of bx, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह का कोई भी, यहाँ पर a एंड b कांस्टेंट होते हैं, ये ध्यान में रखो आप। इंटीग्रेशन e raised to x into cos of bx, इस टाइप का इंटीग्रल आया, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर आता है e raised to x upon a square plus b square, यानी कि इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग सेम है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहाँ पर a sin of bx है, यहाँ पर होता है a cos of bx, a cos of bx, फिर साइन आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस साइन देना है, फिर b into क्या लिखना है आपको, sin of bx, ब्रैकेट कंप्लीट एंड प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये दोनों आपको याद हो जाए तो इजीली वी कैन सॉल्व सच अ टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो पहला इंटीग्रल देखते हैं, इंटीग्रेशन अगर e raise to 2x into sin of 3x का निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन e raise to 2x into sin of 3x का, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो e raise to 2x ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, a square plus b square, a and b की वैल्यू 2 एंड 3, 2 square is 4 and 3 square is 9, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम a into sin of bx, a की वैल्यू 2a, तो 2 into sin of 3x रहेगा, फिर माइनस साइन, फिर b कांस्टेंट कौन है, तो 3a, 3 into फिर से लिखना है आपको cos of 3x, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, एक स्टेप आगे ले जाता हूँ और फिर आंसर आ जाएगा e raised to 2x divided by 4 plus 9 is 13, ये वाला जो ब्रैकेट है 2 sin of 3x minus 3 cos of 3x, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। एक ही स्टेप में आपका आप इसका आंसर ला सकते हो। इसी तरह से यहां पर जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 आप कर सकते हो, फिर भी यहां पर मैं प्रॉब्लम नंबर 3 आपको करके दिखाता हूं, फिर बचे हुए 2 प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, सो इंटीग्रेशन अगर e raise to 3x into cos of 2x का निकालना होगा तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर वही चीज करनी है, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, तो ऊपर लिखूंगा मैं e raise to 3x, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, a एंड b डिसाइड कर लो, 3 a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इज 9, b यानी कि 2, 2 स्क्वायर इज 4, और ब्रैकेट में आएगा क्या, तो a यानी कि 3 into cos of 2x as it is, पहला तो टर्म हो गया, फिर प्लस साइन आएगा और कांस्टेंट कौन है, b कांस्टेंट कौन है, 3 2a, यहां पर into sin of बन जाएगा 2x, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, इतना ही आपको चेंज करना है। तो इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल आएगा, अगर यहाँ पर माइनस भी साइन होता ना तो उतना चेंज आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 आप करके देखो फॉर प्रैक्टिस, और आफ्टर दैट नए ट्रिक के साथ फिर से हाजिर होंगे जल्दी ही हम, तब तक के लिए बाय बाय।